बेसिकली क्या होता है देखिए विंड का एक डायरेक्शन से डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करना वो हमारा पैटर्न कहलाता है हमारे पास दो टाइप के विंड होते हैं एक ऐसा विंड पैटर्न होता है जो कि ग्लोबल विंड पैटर्न होता है मतलब पूरे ग्लोब पे वहाँ पे विंड सर्कुलेट करती हैं और दूसरा पैटर्न विंड पैटर्न ऐसा होता है जो कि लोकल होता है मतलब किसी लोकल एरिया के अंदर वो विंड मूव ऑन करती हैं वो विंड ब्लो करती हैं वो हमारे पास लोकल विंड पैटर्न कहलाता है अब हम दोनों को ही डिस्कस करने वाले हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे बात करेंगे तो जैसा मैंने बोला था आपको कि

अगर आप ये सरफेस देखते वन सर्फेस इज कोल्डर सर्फेस अनादर इज अ वॉर्मर सर्फेस देखिये जो कोल्ड सरफेस होता है

आपने हॉट एयर बैलून का नाम सुना है जब गर्म हवा, हवा होती है तो वो लाइट होती है वो इंक्रीज करती है अपनी हाइट को एल्टीट्यूड पे जाने की कोशिश करती है ये कुछ वैसा ही है जैसे मैंने बोला कि एयर बबल अगर आपके सिंक में भी है टैंक में भी है तो वो एयर बबल ऊपर की तरफ राइज करता है क्योंकि वो सराउंडिंग से हल्का है इसलिए वो राइज करता है तो यहाँ पे भी ये आपकी वार्मर एयर है ये राइज करने की कोशिश करती है अब सोच के देखो लेट अस अज्यूम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं कि यहाँ पे ट्वेंटी लीटर वॉल्यूम ऑफ एयर थी

वर्टिकल डायरेक्शन से जब सनलाइट गिरती है तो ऑटोमेटिक सी बात है लो प्रेशर क्रिएट करती है तो यहाँ पे आपकी लो प्रेशर कंडीशन नजर आएंगी अब सिचुएशन ये होगी जैसे यहाँ पे लो प्रेशर होगा मतलब यहाँ पे जैसे हो यहाँ पे करने की कोशिश करेगी जब विंड यहाँ से राइज करने की कोशिश करती है, rotating, why, जो है जिसको कि हम बोलते हैं वो, है, वो इस विंड के ऊपर इंप्लीमेंट होता है

और वो प्रेशर बेल्ट कुछ ऐसे नजर आते है यहाँ देख सकते हो आप वो प्रेशर बेल्ट आपको कुछ ऐसे नजर आते हैं। किस टाइप का इक्विटोरियल में लो प्रेशर बेल्ट ठीक है सब ट्रोपिकल में हाई प्रेशर बेल्ट

वेस्टलीज़ एंड इट्स रिलीज हां एक चीज और बताना चाहूँगा मैं आपको जो तो ये वेस्टर्ली विंड्स हैं ये अलग-अलग लैटिट्यूड पे अलग-अलग नाम से जानी जाती हैं जैसे 40s पे 50 पे 60 पे स्क्रीमिंग 60 फ्यूरियस 50 रोरिंग 40s क्योंकि ये 40 50 और 60 पे जो इनकी स्पीड होती है वो कंपैरेटिवली काफी हाई स्पीड होती है 40 पे 50 पे 60 पे इनकी जो स्पीड होती है वेस्टर्ली विंड्स की वो काफी हाई होती है तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है रोलिंग 40 फ्यूरियस 50 स्क्रीमिंग 60 आखिर कौन से टाइप्स के विंड है ट्रेड विंड जो नॉर्थ ईस्ट में है वेस्टर्ली विंड जो कि आपके मिड लैटिट्यूड पे है या फिर ईस्टर्ली जो कि पोलर एरिया में देखने को मिलता है डेफिनेटली आप अंतर करेंगे दीज आर वेस्टर्ली विंड्स तो इन टोटल आपकी विंड डायरेक्शन ये होती है फाइनलाइज जिसमें कि नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है यहां पे साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है

इनको स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि होता ये है कि जब ये विंड ब्लो करते हैं तो यहाँ पे काफी सारा स्नो डिपॉजिट होता है लेकिन जैसे जैसे, जैसे ये विंड अपने आप को एडवांस करते नजर आते हैं तो विंड जो है वो स्नो जो है धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है दैट्स व्हाई स्नो ईटर विंड के नाम से जाने जाते हैं यहीं पे आपको नॉर्थस्टर विंड ब्लिजार्ड विंड ये भी देखने को मिलते हैं ठीक है सिमिलरली आपको पैम्पेरो विंड जो कि साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव सिरोको विंड सिरोको सिरोकोवेंड जो है इनको ब्लड रेन के लिए भी पॉपुलर माना जाता है अब आप सोच रहे होंगे सर ब्लड रेन का क्या मतलब है देखिए सिरोको सिरोकोवेंड आपको दिख रहा है कि सारा डेजर्ट में चल रही है यहाँ से ये यह रेड जो सॉयल है इसको पिकअप करते हैं मेडिटेरेनियन के ऊपर से जाते हुए ये मॉइस्चर को पिकअप करते हैं और एक हैवी रेनफॉल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जब ये यह रेनफॉल यहाँ स्टार्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है इस रेनफॉल की वजह से क्या होगा आपका जो रेड सॉयल है वो भी सरफेस पे आ जाएगी

तो ये जो विंड है इनकी वजह से काफी ज्यादा स्नोफॉल कनाडा यूएस बॉर्डर के ऊपर भी ज्यादा बेसिकली एयर क्वालिटी को वर्स्ट बनाने के लिए इन विंड का अकाउंटेबिलिटी होती है ऐसे ही होता है आपका ब्रिक विंड ठीक है जो कि साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं ये विंड जो है आपका ये क्लाउड और डस्ट काफ़ी ज़्यादा लेके आते हैं अच्छी खासी रेनफॉल जो है इसमें देखने को मिलती है लेकिन यहाँ पे हॉट वेदर कंडीशंस होती हैं इसलिए अराउंड थर्टी एट टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन विंड्स की वजह से पहुंच जाता है अब जब रेनफॉल नहीं होता इन विंड्स की वजह से कहीं ना कहीं जब सचुरेशन नहीं पहुंचता या फिर मॉइस्चर कम होता है तो उस टाइम पे फॉरेस्ट फायर के लिए भी अकाउंटेबल होते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर को एक्सट्रीमली हाई कर देते हैं विंड जैसा मैंने बताया था कि रॉकीज के ईस्टर्न स्लोप पे देखने को मिलेंगे और ये विंड जो है वार्म टाइप के विंड होते हैं दैट्स व्हाई उस एरिया का हैंचर को इंक्रीज करते हैं और स्नोफॉल जो होता है उसको मेल्ट डाउन करते हैं इसलिए इसको स्नो ईटर होते हैं लेकिन ये वॉयेंट विंड है कोई ऐसे नहीं है कि बहुत ही जेनेरिक विंड है बहुत ही स्लोली चलते हैं काफी फास्ट विंड होते हैं ठीक है